सुन यार, तू तो डे खेलते है। सोच ले, इतना आसान नहीं है ना। और सच और सही जवाब देना पड़ता है उसमें। हाँ, इसमें क्या है? देख, इस गेम को खेलने के लिए कलेजा होना चाहिए, जो मेरे पास है। अरे बढ़िया बढ़िया पाजी, बढ़िया। देव पाजी, इसकी तू लेगा कि मैं लूं? मैं लेता हूं। यार, तूने कभी सोचा कि मेरे चक्कर में तेरी लाइफ और करियर दोनों ही जा सकते हैं? कर दिया ना पराया। आकाश, तू नहीं जानता कि मेरी नजरों में तू क्या है। मैं जानता हूं कि मुझसे एक बार गलती हुई थी, वो भी अनजाने में। और इस बात पर हमारी लड़ाई भी हुई थी। लेकिन इस बात का गम मुझे हमेशा रहेगा। छोड़ना यार देव, क्या इमोशनल बातें कर रहा है यार। हाँ यार, छोड़। ओ यार, ये तो मेरे पे आ गया इस बार। इसकी मैं जेल में लिया मिली। जेल में? फिर मिली के पीछे क्यों दौड़ता था यार? अभी बुरी काम के लिए बुरी नहीं है यार। ओए काके, पिट जाएगा। अच्छा चल यार, देख, वैसे मिली भी मिल जाए तो ठीक है ना यार। हाँ, ये ठीक है। अच्छा चल, पार्टी में क्या हुआ था? कुछ नहीं। ए टू थंडर। हाँ, बहुत कुछ हुआ था यार। लॉन में ले जा रहा था, तब क्या हो रहा? पप्पी ले लिया। कितनी कितनी? दो। कहाँ कहाँ? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देख कैसे शर्मा रहा है, घूंघट लाके। यार बड़े कमीने हो यार, बड़े कमीने। आकाश, जब मैं और श्रुति एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? कैसे रोकता? किस हक से? जैसे कॉलेज की बाकी लड़कियां थी वैसे श्रुति भी थी ना। तू उसे चाहता था, फिर भी तूने मुझे रोका। मुझसे भी भूल हो गई यार, उसके जज्बात को किताबी बातें समझ बैठा था। छोड़ना यार, तुम लोग क्या पुरानी बातें लेकर बैठे हो यार। बटी, तुझे पहली बार कब पता चला कि मेरे और श्रुति के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? Life is to serve the foe. Just imagine that the purpose of life is your happiness only, then life becomes a cruel and senseless thing. You have to embrace what the wisdom of humanity. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप औरों के उच्च विचारों से कुछ हासिल करो, खुद के दिलो दिमाग से भी काम लो, ताकि जिंदगी का कोई मकसद होगा। बिना मकसद की जिंदगी गुजारने से कोई फायदा हो सकता है भला? जिंदगी नासूर बन जाएगी अगर आप सिर्फ मजनू खुशी के लिए की तरह जो आपको अपना दिल कहता है, दिमाग कहता है, वो करो।
योर इंटेलेक्ट एंड योर हार्ट टेल यू अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल करो अदरवाइज यू विल नॉट लिव बट ओनली एग्जिस्ट हमें उस परवरदिगार का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें इस धरती पर जीवन का मतलब ये भी है कि ऊपर वाले की तरह मत भूलो क्या सोच रहा है उसको हमेशा याद करो मत भूलो कि आप उसकी बदौलत यहाँ हैं ये धरती ये आसमान ये पत्ते ये फूल ये सारी दुनिया किसने बनाई The Almighty अक्सर लोग अपनी खुशी को हासिल करने के ऑब्सेशन में उस भगवान उस गॉड उस खुदा को भूल जाते हैं अगर ऊपर वाला नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर पाते हमारे ग्रंथ पढ़कर उसके बताए हुए नक्शे कदम पर चलो इसलिए लियो टॉल्स्टॉय ने अपने तो इस वर्स के आखिरी लाइन में कहा है That the meaning of life is to serve the force that brought you into the world. Then life becomes a joy. इसी तरह महान रूसी फिलोसोफर एंड ड्रामेटिस्ट द ग्रेट एंटोन चेखव जिन्होंने कई सारी कुछ नॉवेल्स भी लिखी पर एक प्ले जिसका नाम है थ्री सिस्टर्स उसमें उन्होंने कहा है ट्राइफलिंग्स आर द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इसका मतलब हमें बड़े लोग और बड़ी चीजों से कभी भी तकलीफ नहीं होती अगर तकलीफ होती है तो हमेशा छोटे लोगों से छोटी चीजों से जिनकी कोई अहमियत नहीं होती वो ही सबसे ज्यादा तकलीफ देह होते हैं उसी नाटक में जो अहम किरदार है वो एक छोटे कस्बे का रहने वाला है पूरे नाटक में फ्रस्ट्रेटेड समझना मायूस है जिंदगी से परेशान है पशेमान है हारा हुआ है कहते रहता है मॉस्को 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 I want to go to Moscow. उसे ये उम्मीद है शायद बड़े शहर में जाकर उसे राहत। I am in love. चेखव ने बहुत साल पहले जो सोचा था आज भी उसका कंटेम्पररी रेलेवेंस है हर राष्ट्र में हिंदुस्तान को ही लीजिए हर छोटे शहर का आदमी चाहता है कि वो बड़े शहर में जाएं ताकि उसकी तरक्की हो I am in love. उन्नति हो भारत के कोने कोने से लोग मुंबई जाते हैं इस उम्मीद से कि वो भी एक दिन बड़े फिल्म स्टार बन जाएं और क्यों ना हो उनके सामने तो बड़े उदाहरण मौजूद हैं और एक महान रूसी फिलोसोफर हैं मैक्सिम गोर्की उन्होंने अपने नाटक लोअर डेप्थ्स में एक किरदार लूका के जरिए कहा है अच्छा है वक्त रहते ही चले जाना चाहिए बहुत खूब क्या कहा है इसका मतलब यह है जब तक आपके पास वक्त हो आप कुछ भी कर सकते हैं एक बार वक्त से हाथ धो बैठे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे सब कुछ आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा डू इट व्हेन द टाइम इज ऑन योर साइड रेफरेंस ये था कि एक आदमी जगह छोड़ के जाना चाहता था तो लुका उसको कहता है अच्छा है वक्त रहते चले जाना चाहिए एक और महान रूसी फिलोसोफर और पोएट थे अलेक्जेंडर पुश्किन हमारे फिल्म मेकर राज कपूर साहब इस कदर उनसे प्रभावित थे कि उन्होंने अपने फेवरेट लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी को एक खिताब दिया था इंडियन अलेक्जेंडर पुश्किन सर हाँ पूछो पूछो व्हाट रबिश गेट आउट ऑफ द क्लास डिस्टर्ब कर दिया अच्छी फिलोसफी की बातें हो रही थी जनाब आए बीच में कंसंट्रेशन सारा भंग हो गया कहां थे चलिए इस सब्जेक्ट पर फिर कभी बातें होंगी अब मेरा मूड ऑफ हो गया है